आज हम फिर एक बार है धात करेला वन के क्रम में स्मृति वन में 30 जुलाई रविवार को करेला मनाने के लिए और पौधारोपण के हम सब एकत्रित हुए हैं। और आज यहाँ पर दीपक खानका जी द्वारा एक पौधा रोपा गया है और उस पौधे के बारे में भी बात करेंगे। और ये श्री आनंद खानका जी की स्मृति में ये पौधा लगाया गया है और बहुत ही सुंदर पौधा है। तो सर कैसा लग रहा है आपको पौधा लगाकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर्वप्रथम तो मैं धात को थैंक यू बोलूंगा, धात के सभी पदाधिकारी कर्मचारी गणों को मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलूंगा कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया। क्षण तो बहुत भावुक ही है क्योंकि मैंने अपने छोटे भाई की चीर स्मृति के लिए ये रुद्राक्ष का पौधा लगाया है। चलो आज वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी हो रही है कि इस पौधे के रूप में हमारा भाई हमेशा हमारे बीच में रहेगा और प्रकृति को पर्यावरण को उनके माध्यम से जो है शुद्ध हवा और एक अच्छा संदेश जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये एक धात की बहुत अच्छी पहल है, इसको हमको जो है गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक पहुँचाना चाहिए ताकि अपने देश को अपने भारतवर्ष को हम हरा भरा कर सकें और प्रकृति पर्यावरण को हम कुछ दे सकें। थैंक यू धात, थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। और निश्चय ही है रुद्राक्ष का पौधा बहुत जल्द बड़ा होगा और बड़े वृक्ष के रूप में प्रकृति को और हम सभी को बहुत कुछ देगा, फूल भी देगा, फल भी देगा, शुद्ध हवा पानी भी देगा। और जब भी आप इसकी छांव में आएंगे आपके प्रियजन जो आपसे बिछड़ गए आपको उनके पास होने का एहसास होगा। आप भी धात के हरेला वन क्रम से जुड़ सकते हैं, जहां पर भी आपने एक पौधा जरूर लगाएं। और अगर आपके आसपास जगह ना हो तो धात के हरेला वन कार्यक्रम से जुड़े जहां पर आप मात्र 100 रुपए मासिक सहयोग के साथ एक पौधा रोप भी सकते हैं और उसका संरक्षण भी कर सकते हैं। धन्यवाद।